हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ऐसे ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूँगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हंगरी बर्ड्स के सभी यूट्यूबर्स के बारे में, संकेत, प्रीति, उमेश और अक्षदा के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इन सभी के रियल नेम के बारे में। तो आप सभी को बता दूँ, संकेत का रियल नेम है संकेत ही और शंकी इनका निक नेम है। बात कर ली जाए प्रीति के बारे में, क्या प्रीति ही इनका रियल नेम है? जी हाँ दोस्तों, यही इनका रियल नेम है और काफ़ी लोग इनको प्यार से पिंका के नाम से भी जानते हैं। बात करें उमेश के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूँ, उमेश का रियल नेम उमेश ही है और काफ़ी लोग उनको प्यार से उमी के नाम से जानते हैं। बात करें अक्षदा के बारे में तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, अक्षदा का रियल नेम अक्षदा ही है। बात करें इनके निक नेम के बारे में तो इनका निक नेम है अक्षु। चलिए अब हम बात करेंगे इन सभी के घर के बारे में, आखिर इन सभी का घर कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत के बारे में, आप सभी को बता दूँ थाने महाराष्ट्र में संकेत का घर है। बात कर ले जाए प्रीति के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूँ, प्रीति का घर भी थाने महाराष्ट्र में ही है। बात करेंगे अब उमेश के बारे में और आपको बताएंगे कि उमेश का घर कहाँ पर है। तो आप सभी को नहीं पता तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, उमेश का घर भी थाने महाराष्ट्र में ही है। अब हम बात करेंगे अक्षदा के बारे में और आप सभी को बताएंगे कि अक्षदा का घर कहाँ पर है। तो गाइस आप सभी को यदि नहीं पता कि अक्षदा का घर कहाँ पर है तो आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, अक्षदा का घर भी है थाने महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, ये चारों ही थाने महाराष्ट्र में ही रहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इन सभी के प्रोफेशन के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, चाहे अक्षदा हो, चाहे प्रीति हो, चाहे उमेश हो, चाहे संकेत हो, यह चारों ही प्रोफेशन से काफ़ी अच्छे यूट्यूबर हैं। मैं आप सभी को बता दूं इनको लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, उसका रीज़न है इनका हार्डवर्क, काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्किंग है और काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं जिन्हें बच्चे बड़े सभी साथ में मिलकर देख सकते हैं। इसी वजह से लोग इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, आज इनके वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है। मैं आप सभी को बताऊँगा इनके यूट्यूब चैनल के बारे में भी, तो आप वीडियो को पूरा देख कर जाना। बात करेंगे अब हम इनके यूट्यूब चैनल के बारे में, इनके फर्स्ट यूट्यूब वीडियो के बारे में, 2021 में ये सभी कितने साल के हो चुके हैं और जो सभी जानना चाहते हैं इनकी मंथली इनकम, वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके यूट्यूब चैनल के बारे में कि इनके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो बस एक बात मैं आप सभी को बता दूं, आपको जानकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये चारों साथ में मिलकर ही हमेशा वीडियोज़ बनाते हैं, हर वीडियो में चारों नज़र आते हैं और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है हंगरी बर्ड्स। इसके अलावा इनका एक और सेकंड यूट्यूब चैनल है जो भी काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी चारों साथ में काम करते हैं और उस यूट्यूब चैनल का नाम है हंगरी बर्ड्स इनसाइड। ये दो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर ये चारों साथ में मिलकर काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे इन सभी के फर्स्ट वीडियो के बारे में कि इन सभी ने अपना पहला वीडियो कब अपलोड किया था, कौन से वीडियो में इन्होंने सबसे पहली बार काम किया था यूट्यूब पर। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, चारों ने ही मिलकर पहला यूट्यूब वीडियो में काम किया था, उसका नाम था 300 गोलगप्पा पानी पूरी ईटिंग चैलेंज और यह वीडियो इन्होंने अपलोड किया था 2018 में। 2018 के इस पहले वीडियो से लेकर आज तक सारे ही वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इन सभी की मंथली इनकम के बारे में और एज के बारे में। संकेत की एज है अभी 24 साल। बात करें प्रीति के बारे में तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, प्रीति की एज है अभी 22 साल। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे उमेश के बारे में और आप सभी को बताएंगे कि उमेश की एज कितनी है 2021 में। तो गाइस यदि आप सभी को नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं, 2021 में उमेश की एज है 25 साल। अब हम बात करेंगे अक्षदा के बारे में और इनकी एज आप सभी को बताएंगे। तो गाइस आप सभी को यदि नहीं पता कि अक्षदा की एज कितनी है 2021 में, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ, अक्षदा की एज है अभी 24 साल, ये 24 साल की हो चुकी हैं। अब हम जानेंगे इन सभी की मंथली इनकम के बारे में कि इन सभी की मंथली इनकम कितनी है। गाइस मैं इनके यूट्यूब चैनल की मंथली इनकम भी आप सभी को बताऊंगा कि इनके यूट्यूब चैनल की मंथली इनकम कितनी है। तो गाइस 4 से 5 लाख रुपए मेरी रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ इनके यूट्यूब चैनल की मंथली इनकम होगी। गाइस ये मैं अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक बता रहा हूँ, ये कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो गाइस आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में बता के जाए। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।